नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, आपके साथ मैं हूं गनिका। संस्कारधानी जबलपुर में इन दिनों चाकू से हत्या करने की बाढ़ आ गई है। हत्यारे अब घातक हत्यारों की वजह धारदार चाकुओं से हत्या करना ज्यादा आसान समझ रहे हैं। जबलपुर में बीते 3 दिनों के भीतर ये तीसरी घटना है जब चाकुओं से गोद कर किसी की हत्या कर दी गई हो। ये समीर नाम का लड़का जिन्ना मोहल्ले में से जा रहा था, तो वहाँ मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उसे पूछा कि नया चेहरा है, तुम यहाँ कैसे आए हो। इसी बात पर से उसको रोक के कुछ फोटो वोटो उसका लिया और उसके बाद उनके घर वालों से बातचीत हुई तो वो चला गया। इसके उपरांत फिर वो अपने साथियों के साथ आया और ये 3 बच्चों को मारा उन्होंने। तो इसमें से चाकूबाजी की, तो उसमें से एक विक्की जो है, विक्की सन ऑफ लखन चौधरी, ये करीब 22 वर्ष का है, इसकी डेथ हो गई। ये जन्म से अंधा है वैसे बोल रूप से। और 2 जो हैं, बादल और सोनू, ये घायल हैं, तो इनको अभी भर्ती किया है इलाज के लिए और अब हम इसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें जो नाम आए हैं, असलम अमजद और समीर और अज्जू, 4 लोगों के ये आरोपी फरार हैं। अभी फरार हैं, इसके लिए टीम रवाना की है, गिरफ्तारी जो भी कैजुअल्टी कैजुअल्टी।